हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्रा और मेरा नाम है केवल जेठी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड रिव्यू के आज के हमारे एपिसोड में हम एक मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम इस फंड के बारे में, इसके पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कहाँ कहाँ, कौन कौन से सेक्टर में कैसा अलोकेशन दिया गया है करंटली, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ पिछले समय में फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है, उसके बारे में भी बहुत ही ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो यही अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और अगर आपको निवेश ना भी करना हो तो भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर एक अच्छे फंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और अगर किसी इन्वेस्टर को करंट मार्केट में निवेश करना हो तो उन तक हम सही जानकारी पहुंचा सके, यही हमारा उद्देश्य है। तो इसमें आप सहायता कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले तो हम इस फंड का पिछला रिटर्न का डेटा देखते हैं। पिछले 10 सालों का पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न का डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। सिंगल ईयर में कैसा परफॉर्मेंस फंड ने बना के दिया है, उसका डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं। 2010 के साल में इस फंड ने तकरीबन 15% का रिटर्न बना के दिया। उसके बाद 2011 में नीचे भी आया तकरीबन 25%। 2012 में तकरीबन 48% का रिटर्न सिंगल ईयर में फंड ने बना के दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं 2013 में 13% और 2014 में तकरीबन 72% का रिटर्न सिंगल ईयर में फंड ने बना के दिया। उसके बाद 2 साल कोई ज्यादा रिटर्न नहीं आया। उसके बाद फिर से 2017 में तकरीबन 33% का रिटर्न फंड ने बना के दिया, और उसके बाद से फंड अंडर परफॉर्म करता आ रहा है। इस साल भी बहुत ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि ये कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण कई सारे मिड कैप कंपनियां बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। डेफिनेटली क्राइसिस अभी भी चल रहा है, तो यहाँ से भी करेक्शन हो सकता है इस फंड में। तो आपको आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर एसआईपी के माध्यम से इस फंड में निवेश करना है, या लंबे अवधि के लिए एसआईपी करनी है, यही बेहतरीन विकल्प होगा अगर आपको मिड कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करना हो तो। अब हम इस फंड के करंट पोर्टफोलियो को देखते हैं। बेहतरीन पोर्टफोलियो है और एक बहुत ही बेहतरीन अलोकेशन दिया गया है सेक्टोरियल वाइज, और फ्यूचर में एक बेहतरीन ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इस पोर्टफोलियो के लिए बन सकती है। सबसे पहले सबसे ज्यादा अलोकेशन है पीआई इंडस्ट्री। एग्रोकेमिकल बनाने वाली एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है पीआई इंडस्ट्री, उसमें 9% का अलोकेशन है। उसके बाद है शीला फॉर्म, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, मैट्रेस बनाने वाली कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है। स्लीपवेल नाम की इनकी ब्रांड है, तो बहुत ही जानी मानी ब्रांड है। इसमें भी तकरीबन 7.7% का अलोकेशन है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, ये भी गैस के अंदर काम करने वाली कंपनी है, जिसमें 5% का अलोकेशन है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये भी केमिकल सेगमेंट की कंपनी, 4.8% का अलोकेशन है। गोदरेज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है, और गोदरेज ग्रुप बहुत ही जाना माना ग्रुप है इस सेगमेंट का। और कुछ ऐसी जो प्रॉपर्टी कंपनियां हैं, इंफ्रा कंपनियां हैं, हाउसिंग कंपनियां हैं, जो बेहतरीन कंपनियां हैं इस सेगमेंट में, उसमें से गोदरेज प्रॉपर्टी का नाम सबसे पहले आता है, और इसमें भी अच्छा खासा अलोकेशन दिया गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया थीम की एक बहुत ही बड़ी दावेदार कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसमें भी 4.6% का एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ फार्मा कंपनियां भी हैं, सनोफी इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, तो फार्मा में भी एलोकेशन दिया गया है। आईटी कंपनियां भी अच्छी खासी इस पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी, सीमेंट कंपनियां भी यहाँ पे अच्छी खासी है। तो जनरली इस पोर्टफोलियो में आपको सीमेंट, आईटी, फार्मा जैसी सेक्टर की कंपनियां दिखेगी, जहां पे आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ आ सकती है, और लंबे समय के लिए अगर आपको निवेश करना हो तो ये एक बहुत ही बेहतरीन वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहां पे आप लंबे अवधि के लिए लमसम या एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। और जानकारी अगर हम प्राप्त करें इस पोर्टफोलियो के बारे में, तो करंटली 96% इक्विटी में ही निवेश किया गया है, और 4% जितना कैश रखा है अगर कोई रिडम्पशन आता है तो उसके लिए। 47 शेयर है पोर्टफोलियो के अंदर, और डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। एवरेज पीई इस पोर्टफोलियो का 16 का है, और एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 2.4 का है। तो निफ्टी के पीई से तो नीचे के पीई पे ही ये पोर्टफोलियो चल रहा है। टॉप 10 कंपनियों में तकरीबन 49% का एलोकेशन दिया गया है। एवरेज मार्केट कैप इस पोर्टफोलियो का 11,000 करोड़ का है। मिड कैप में 60% का एलोकेशन है, और स्मॉल कैप में 30% का एलोकेशन है। तो ज्यादातर मिड और स्मॉल में ही दिया गया है एलोकेशन, लार्ज कैप की 1-2 कंपनियां ही आपको इस पोर्टफोलियो में दिखेगी। सेक्टर वाइज अगर हम चर्चा करें तो कंज्यूमर गुड्स में तकरीबन 15% का एलोकेशन है। उसके बाद फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में 13% का एलोकेशन है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 13% का एलोकेशन है। फार्मा सेगमेंट में तकरीबन 12.8% का एलोकेशन है, और फाइनेंशियल में तकरीबन
10.5% का एलोकेशन है। तो फाइनेंशियल में एलोकेशन कम है वो अच्छी बात ही है, और मिड कैप सेगमेंट में कई ज्यादा फाइनेंशियल कंपनियां है भी नहीं। फार्मा कंपनियां कई अच्छी अच्छी इस पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी। तो फार्मा सेक्टर करंटली मोमेंटम में है, उसके बाद फर्टिलाइजर सेगमेंट भी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखता है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये भी एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ की थीम फ्यूचर में बन सकती है आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर। तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहां पे सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो अच्छे खासे सेक्टर भी यहाँ पे हैं जहां पे फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो इस फंड का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड। बहुत ही पुराना फंड है अपनी कैटेगरी का, करंटली इसका एनएवी है 55 का, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो डेफिनेटली रिस्क इसमें हाई ही रहेगा। इनके जो फंड मैनेजर है 23 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इंडस्ट्री में। 2005 में फंड लॉन्च हुआ था, तो 15 साल पुराना फंड है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने तकरीबन 12% के CAGR से वेल्थ बना के ली है। करंट करेक्शन के बाद भी अगर 12% CAGR आपका फंड आपको वेल्थ बना के दे रहा है तो वो अच्छा ही माना जाएगा। AUM तकरीबन करंटली 3,000 करोड़ का है, तो बहुत बड़ी साइज का फंड नहीं है। तो इसको मैनेज करना भी फंड मैनेजर के लिए थोड़ा इजी रहेगा, जिसके सामने अगर आप देखें कई ऐसे मिड कैप फंड भी हैं जो करंटली 15,000-20,000 करोड़ के AUM पे बैठे हैं। तो वहां पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि मिड कैप सेगमेंट में लिक्विडिटी इतनी नहीं है जहां पे आप 15,000 करोड़ का AUM मैनेज कर पाए इजीली। तो यहाँ पे AUM भी अच्छा खासा छोटा है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं। डेफिनेटली मिड कैप फंड है तो छोटे अवधि के लिए तो आपको इसमें निवेश नहीं करना है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो भी आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है। एटलीस्ट 7 साल या उसके अधिक के टाइम फ्रेम के लिए ही आपको इस फंड में निवेश करना है, ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपके पोर्टफोलियो में करंटली ऑलरेडी कोई मिड कैप फंड है तो भी आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है, ये बात भी आप ध्यान रखें। SIP कर सकते हैं, STP करंट मार्केट में बेहतरीन विकल्प रहेगा। और अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं। एक दो ट्रांचेस में अगर आप लमसम करेंगे आने वाले 1 से 3 महीनों के अंदर, तो वो भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। और लंबे अवधि के लिए आपको इसके साथ बने रहना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही आप निवेश कीजिए। अगर आपको इस फंड में अभी निवेश करना है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पे जाके आप थोड़ी डिटेल फिल करके इस फंड में अभी का अभी निवेश कर सकते हैं। या अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और उसके बाद चर्चा करके आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप हमारे साथ भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। एक बेहतरीन फंड है। तो यही अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप और किसी फंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे, रिव्यू पाना चाहें, तो उसका नाम हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।